Rajput Karni Sena Chief Lokendra Singh Kalvi has strongly denied reports that the organization leadership is ready to watch Padmaavat at a special screening. He denied what he called rumours that some Sena members had watched the movie. Kalvi came down heavily on the media for creating stories of their own. सुरेश चौहके जी के साथ में जो प्री स्क्रीन हुई थी फिल्म उन 38 आदमियों में से एक भी राजपूत ही नहीं था करनी सेना तो बहुत दूर की बात है मीडिया के सामने जब करनी सेना के पदाधिकारी उपस्थित हुए कि साहब इन 32 आदमियों में से एक भी पूछ लो कोई राजपूत है क्या पर तो अभी मीडिया की हाईलाइटेड आइटम ये हैं कि करनी सेना ने फिल्म देखी और अपने सारे ऑब्जेक्शन विड्रॉ कर लिए देश में फिल्म नहीं लगनी चाहिए बैन बैन एंड बैन उन तीन सीबीएफसी के लोगों ने जो सीबीएफसी की तरफ से जो फिल्म देखने गए थे जिनका गला सूख गया होगा अरविंद सिंह जी का और कपिल कुमार जी का उनका गला सूख गया होगा जिस तरह से उन्होंने वर्णन किया कि उन्होंने क्या देखा अब कौन क्या कह रहा है मुझे पता नहीं है जिन सामाजिक संगठनों का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है मैं उन सब सामाजिक संगठनों से किसी धोखे में नहीं आए जनता कर्फ्यू लगा के रहे मैं नहीं मानता कि किसी का भी कोई दोष है अगर दोष है तो इस संजय लीला भंसाली का जिसकी फितरत है ये जिन्होंने देखी उनकी जवानी बता रहा हूं हमाम में लेटा अलाउद्दीन खिलजी आंख बंद मालिक कफूर पर्दा डालता है और जो कल्पना में जो स्त्री उसके पास से हटती है वो दीपिका पादुकोण की डुप्लीकेट है अब अगर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण कुछ भी करें अलाउद्दीन और पद्मावती के बीच में तो ये सीन तो अभी 8 दिन पहले तक मौजूद था 8 दिन पहले तक कल रात को खत्म हुआ है मुझे पता नहीं है क्योंकि कल रात किसी करनी सेना ने किसी राजपूत जाए ने फिल्म नहीं देखी है